सो जैन साथियों, मैं नितेश आर चाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे यार एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो भी तुम साइट बना रहे हो, ऐप्स बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, तो उसका एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और देना चाहिए एडवर्टाइजमेंट तो कहाँ देना चाहिए? कौन सा ऐड जो है बाहर दे रहे हो तो एडसेंस फ्रेंडली है? मतलब देखो, गूगल का भी एक एडसेंस का एक पॉलिसी है कि तुम यहाँ से ट्रैफिक ले सकते हो, वहाँ से ट्रैफिक नहीं ले सकते। क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशन है, क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए जब भी तुम साइट का प्रमोशन कर रहे हो? तो पैसा दे के, फ्री प्रमोशन बात नहीं कर रहा हूँ, पैसा दे के कहीं प्रमोशन कर रहे हो या भी कहीं स्टाफ खींच रहे हो, तो यार उसको क्या क्या रूल फॉलो करना चाहिए? ठीक, वो तो लंबा होगा, डिटेल्स में समझाने प्रयास करूँगा। प्लस जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ ट्रैफिक खींचने के लिए, मतलब ऐड देता हूँ मैं तो कहाँ कहाँ ऐड देता हूँ, कहाँ कहाँ ऐड दिया हूँ, क्या एक्सपीरियंस रहा है, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, खासकर नए हो तो, क्योंकि नए लोग आते हैं बहुत सारा, तो सोचते हैं कि चलो साइट तो कुछ बन गया है, अच्छा खासा साइट बन गया है, और चलो अब मार्केटिंग करते हैं ताकि जल्दी से रैंक हो, जल्दी से लोगों को पता चले कि साइट इस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, सो फर्स्ट यार एक चीज़ साफ साफ बोल देना चाहूँगा कि अगर नए नए इस फील्ड में आए हो, एकदम नए नए हो, बिल्कुल नए हो, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कोई साइट वगैरह रैंक नहीं की हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यार थोड़ा सा दूरी हटो यार पेड प्रमोशन से। प्रयास करो कि जो भी है ऑर्गेनिक मिले। ठीक, पेड प्रमोशन से थोड़ा सा पीछे हटने का प्रयास करो, मतलब थोड़ा हिचकिचाओ, ऐसा नहीं कि फट से कूद जाओ उसी में ऐड देना शुरू कर दो, वो सही हैबिट नहीं है। बेस्ट हैबिट है कि आराम से देखो, समझो कैसे काम कर रहा है सिस्टम, उसके बाद जो है ऐड देना। क्योंकि अगर नए नए फील्ड में हो, स्टार्टिंग में ऐसे ही आ गए हो, फट से जो है यार ऐड देने शुरू कर दिया, तो बहुत लॉस हो जाएगा। क्योंकि मैं भी कुछ कुछ मिस्टेक किया था, मैं जो यार बहुत सारा पैसा जो है मैं ऐसे ही वेस्ट कर दिया एडवर्टाइजमेंट देने में, और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं मिला। साइट रॉन्ग था, जहाँ से ट्रैफिक खरीद रहा था वो भी रॉन्ग था, इंगेजमेंट सही से नहीं हुआ, जो पैसा लगा उसका रिटर्न नहीं मिला। और पैसा हमेशा यार वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर यार रिटर्न का चांस, संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, सो अगर नए नए ब्लॉगिंग फील्ड में हो, साइट रैंक नहीं कर रहा है, तो ऑर्गेनिक करने का प्रयास करो जितना भी हो, बिना पैसा पे किए ऑर्गेनिक, या पे करना भी है तो कुछ ऐसा वैसे पे करो जिससे यार तुम्हारा लॉस ना हो। ठीक है, लॉस ना हो, जो पैसा इन्वेस्ट करो, पैसा जो कहीं ना कहीं घुर के रिकवर हो जाए। ठीक, जब एक्सपीरियंस आ गया कि हाँ मैं साइट चला पा रहा हूँ, रैंक कर पा रहा हूँ, आइडिया हो गया कि कौन कौन सा ऐड नेटवर्क है, उसके बाद ही जो है यार एडवर्टाइजमेंट पे इन्वेस्ट करना पैसा। ठीक है, उसमें भी जो साइट्स है डिपेंड करता है कैसा साइट है। डायनामिक साइट है तो यार मैं रिकमेंड नहीं करूँगा उसको यार प्रमोशन करने का, क्योंकि वो फायदेमंद नहीं रहेगा। लेकिन कोई स्टार्टिंग वेबसाइट है किसी स्पेसिफिक निश के ऊपर है, ऐसा निश के ऊपर है जो लोग बार बार यूज करेगा, वो ठीक है, बार बार जो यूज करेगा वो ठीक है। लेकिन कोई बंदा एक बार यूज करके छोड़ देगा तो वो तुम्हारा नुकसान है, उसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा अभी। अब देखो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, चलता हूँ सिस्टम में और तुम लोग को दिखाता हूँ एग्जाम्पल लाइव कि क्या क्या साइट पर ऐड लगा सकते हो, मतलब मार्केटिंग कर सकते हो, और किस किस तरह का वेबसाइट पर मार्केटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या हुआ कि मार्केटिंग कर दी है फालतू के एक साइट के पीछे, और साइट जो जब तक तो पैसा पे किया ट्रैफिक आया, ख़त्म हो गया पैसा, ट्रैफिक बंद पूरा से, और यानी कुछ बेनिफिट्स नहीं मिला। तो कैसा साइट पर काम करोगे? जैसे देखो, मेरे पास दो अभी साइट है, एक एज कैलकुलेटर जो मेरा साइट है, ठीक है, इधर इस तरफ, और इस तरफ है मेरे पास फैंसी टेक्स्ट जनरेटर डॉट कॉम। ठीक है, एज कैलकुलेटर गुरु डॉट कॉम, और इस तरफ है फैंसी टेस्ट गुरु डॉट कॉम। ध्यान से देखो, ये बहुत ही मस्त दिखा रहा हूँ, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल। अगर नए नए हो, अगर मिस्टेक कर दी हो तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर सही से फॉलो किया तो यार भविष्य में वो मिस्टेक नहीं करो जो मैं खुद मिस्टेक किया था, या बहुत सारे जो नए नए स्टार्टअप मतलब लोग आते हैं जो नया नया स्टार्टिंग करते हैं ब्लॉगिंग फील्ड में, और हड़बड़ी में क्या है बहुत सारा मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक रहता है? वही कि रॉन्ग साइट में ऐड दे देते हैं। सो देखो, जो पहला वेबसाइट है एच कैलकुलेटर गुरु डॉट कॉम, ठीक है, दूसरी तरफ है फैंसी टेस्ट गुरु डॉट कॉम। अब इसमें दोनों में डिफरेंस देखो क्या है कि ये साइट क्या करता है, ये एच कैलकुलेट करके दे देता है रिजल्ट, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर कोई भी टेस्ट डालोगे ये क्या करेगा, अलग अलग स्टाइल में जनरेट करता है। जैसे कि मैं लिखा यहाँ पर जय श्री राम, तो क्या हुआ कि यहाँ पर देखो अलग अलग स्टाइल में जो है ये फॉन्ट जो जनरेट कर मुझे दे दिया, अलग अलग स्टाइल में फॉन्ट जनरेट कर दे दिया। जैसे जैसे मैं इसको, मैं टेस्ट चेंज करता हूँ, टेस्ट आई लव माई डैड। ठीक, अब जैसे मैं टेस्ट चेंज किया, ये जो है अलग अलग स्टाइल में आ गया,
अब क्या है कि ये जो साइट है, ये जो है फैंसी टेस्ट गुड डॉट कॉम, इसको लोग बार बार यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग आएगा, टेस्ट डालेगा, फिर वो कॉपी करेगा, फिर किसी से शेयर करेगा, फिर कोई टेस्ट डालेगा, फिर शेयर करेगा, मतलब इसमें इंगेजमेंट होता रहेगा। सुनो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, तुम्हारा पैसा बहुत सेफ होगा। अगर एडवर्टाइजिंग फील्ड में जा रहे हो तो यार इस तरह से तुम्हें आइडिया हो जाएगा ना कि साइट क्या है, इसका ऐड देने से क्या फ़ायदा है। बहुत आगे बढ़ोगे ब्लॉगिंग फील्ड में, बहुत ही आगे बढ़ोगे यार। क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या है कि ठीक है, ऑर्गेनिक में यार सही है, लेकिन क्या है कि ऑर्गेनिक करने में क्या उठा टाइम लगता है रैंक करने में। मैं इसका भी ऐड नहीं दिया हूँ, मैं इसका भी ऐड नहीं दिया, मैं अभी देखो अभी किसी भी साइट का मैं भी ऐड नहीं दे रहा हूँ, सब साइड में ऑर्गेनिक काम कर रहा हूँ। लेकिन जल्दी जब पैसा अच्छा ना लगेगा तो क्या है कि जब मैं नेक्स्ट साइट पर काम करूँगा तो उसको ऐड देके प्रमोशन करके उसको टॉप में रैंक करूँगा। ठीक, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से मैंने प्रयास करूँ। तो ये साइट क्या है कि यहाँ पर मैं टेस्ट डाल रहा हूँ, ये जनरेट कर दे रहा है, तो लोग क्या है कि इसको बार बार यूज़ करेगा, लोग इसको क्या है कि बार बार यूज़ करेगा। ठीक, वहीं दूसरी तरफ जो है, वहीं दूसरी तरफ, एक मिनट पहले उसको मैं दनितेश आर्य, ठीक अच्छा है, वहीं दूसरी तरफ क्या है एज कैलकुलेटर है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये देखो ये साइट तो है, लोग आएगा अपना अपना नाम डालेगा, जो भी नाम डालना है अपना डेट ऑफ बर्थ डालेगा, उसके बाद वो रिजल्ट कैलकुलेट कर लेगा, कैलकुलेट करने के बाद जो है चला जाएगा। और जब वो एज कैलकुलेट कर लेगा तो दोबारा वो नहीं आएगा, समझ में क्या बोल रहा हूँ। वो जो है बंदा एक बार अपना एज कैलकुलेट कर लिया, दोबारा क्यों आएगा, उसको पता हो गया कि हाँ मैं इतना दिन का हूँ, इतना दिन का हूँ, वो नहीं आएगा दोबारा। हो सकता है 3-4 महीने बाद आए, लेकिन फिलहाल तो नहीं आएगा। साइट यूज़ कर लिया, उसको रिजल्ट मिल गया, उसको आंसर मिल गया, ख़त्म। क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइट आंसर दे रहा है, यहाँ पर क्या है कि साइट जो है आंसर दे रहा है, और यहाँ पर साइट क्या है कि यहाँ पर वो नया नया टेस्ट जनरेट कर दे रहा है। तो लोग क्या है कि लोग तो यार टेस्ट एक ही बार सेंड नहीं करेगा, तो बार बार सेंड करेगा, कभी इसको सेंड कर रहा है, कभी उसको सेंड कर रहा है, कभी इसको प्रोफाइल में सेंड कर रहा है, कभी इधर कर रहा है, कभी उधर कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये साइट जो है विजिटर एक ही बार यूज़ करेगा, और ये साइट को जो है फैंसी टेस्ट को बार बार विजिटर यूज़ करेगा। समझ में आ रहा है, जो साइट बार बार विजिटर यूज़ करेगा, बार बार इसको इंगेज करेगा, उसी को तुम ऐड दो यार, उसी का प्रमोशन करो। जो साइट एक ही बार लोग यूज करेगा, जिसका यूज करने के बाद ख़त्म कर देगा वो रिजल्ट, उसमें ऐड देना बेवकूफ़ी वाला काम है। जब तक पे करो तो ट्रैफिक आएगा, पेमेंट ख़त्म, ट्रैफिक ख़त्म। अब देखो मैं वो डेमो दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पर जो है मैं गूगल एड्स में इसका प्रमोशन किया था मैंने, एज कैलकुलेटर का। अब बहुत चीप है, बोल देना चाहूँगा कि गूगल एड्स में अगर मार्केट एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो बहुत ही सस्ता पड़ता है, बहुत ही सस्ता। और बस तुमको सही कीवर्ड ढूंढना है, उस पर उस साइट को डाल देना है, वो जो है बहुत ही कम पैसा में हो जाता है, बहुत ही कम। मैं देखो बहुत सारा ऐड यूज़ किया हूँ, मैं सब रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन एडसेंस के लिए देखो मैं बोलूँगा एडसेंस गूगल एड्स है और फेसबुक एड्स है, दो एड्स लगा सकते हो जिसमें जो है कोई वॉलेशन नहीं होता है गूगल एडसेंस के साथ। और भी कहीं से ट्रैफिक खरीदते हो यार ऐसे ही, तो यार प्रॉब्लम है, एडसेंस थोड़ा बहुत नाटक करने लगे। सो बेस्ट चॉइस है कि गूगल एड्स यूज़ करो या फिर फेसबुक एड्स यूज़ करो। अब फेसबुक एड्स में यूज़ किया था, वो यार एक्सपेंसिव है यार, उसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो मैं बोलूँगा उधर भी मत जाओ। सबसे बेस्ट है गूगल एड, गूगल एड सबसे बेस्ट है। सो देखो यहाँ पर मैं देखो कितना कॉस्ट पड़ता है, तो देखो ये मैं ये 21 जून से लेके 14 मई तक का दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे पकड़ लिया हूँ, लाइफ टाइम का एल टाइम पकड़ लिया, हालांकि मैं बहुत थोड़ा टाइम के लिए ऐड दिया था। देखो यहाँ से ऐड देना शुरू हुआ था, यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया, तो मैं 622 रुपये मेरा खर्च हुआ था, जिसमें जो सी टी आर रेट मुझे मिला था 24% के आसपास, इंप्रेशन हुआ था 9,046, और जो क्लिक मिला था मुझे 2,290 के आसपास, ऐसा क्लिक है, देखते हैं कितना है, 2,000, हाँ 2,000, 2,288 है। ठीक, सो मतलब ये जो पर क्लिक पड़ा है मुझे, शायद कितना पड़ा होगा, इसको डिवाइड कर लो, 6, 6, 6, 12, 18, मतलब 30 पैसा के आसपास मुझे एक क्लिक मिला है यार, 30 पैसा में मुझे एक क्लिक मिला है एज कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, देखो ऐड में कुछ ऐसा बनाया था, एज कैलकुलेटर ऐसा कुछ तो ऐड था, और अधिकांश टॉपिक मोबाइल से ही आया था। ठीक है, अब मैं एंजॉय करनी था, इन भारत था, इसलिए इतना कम पैसा में आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो मैं इन्वेस्ट किया 622 रुपया, इसका मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं मिला, कुछ भी नहीं, मतलब जो ऐड दिया था यार, मतलब ऐड के थ्रू जो एडसेंस में जो क्लिक हुआ उससे कुछ भी नहीं आया है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ठीक है, सो इसलिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारे साथ शेयर कर दे रहा हूँ, कि ये बहुत पहले का बात है, अभी का नहीं बात कर रहा हूँ, देखो काफ़ी पहले का बात है ये।
2018 में शायद मैं अपडेट किया था। हाँ 2018 में ही किया था मैं, 2018 दिखा रहा है, 2018 में ही इसको मैं ऐड दिया था। ठीक है, उस समय मैं फर्स्ट टाइम ट्राई मारा था ऐसे, क्योंकि यार मुझे क्रेडिट दिया था गूगल की तरफ से, मुझे क्रेडिट मिला था 1500 रुपये के साथ आसपास क्रेडिट मिला था मुझे, इसीलिए मैं जो उसको ट्राई मारा था कि कैसे काम करता है और कितना कॉस्ट पड़ता है। ठीक, सो क्या समझे, जो साइट लोग एक बार खोल के देख लेगा उसके बाद बंद कर देगा, उसका प्रमोशन करना घाटे का सौदा होता है, घाटे का बिजनेस है। ठीक है, क्योंकि वो आया कंटेंट देखा फिर चला गया, एडवर्टाइज में क्लिक मारेगा नहीं जो तुम्हारा इनकम हो। ठीक, वही अगर ऐसा साइट है जिसमें क्या ये कंटेंट एक बार देखेगा तो बार बार उस कंटेंट का यूज करेगा, मतलब उसको मल्टीपल टाइम उसको यूज करेगा, बार बार उसका उपयोग करेगा, तो क्या होगा कि वो आएगा बार बार, एड में जरूर क्लिक मारेगा, उसके रिलेवेंट ऐड खुलेगा, वो क्लिक मारेगा तो मुझे उससे इनकम होगा। तो मान लो अगर 1000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे तो 5000 आराम से निकाल पाओगे, एड्स का ये मामला है यार, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो इसी तरह का साइट पर फोकस करो यार, ठीक, इसी तरह का साइट के ऊपर फोकस करोगे यार, जिसमें यार टूल्स भी सब्सक्राइब हो, बहुत ही मस्त काम करता है, बहुत ही मस्त। मैं बहुत लोग जानता हूँ, कुछ स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो जो यार अभी था एक टाइम स्टूडेंट, लेकिन अभी देखोगे यार उसका एक अलग ही लेवल है, अब तो यार भाव भी नहीं देता है, जो सिखाया बंदा उसको ही भाव नहीं देता है, सोचता है मैं ही बहुत बड़ा बंदा हूँ। होता है बहुत लोग ऐसा माइंड होता है कि वो भी क्या किया कि वो ऐसा नहीं, सब बहुत सा साइट है उसके पास, एक दो साइट ही है, लेकिन वो मार्केटिंग करके साइट को इस लेवल पर लिया है कि यार लोग उस साइट को बहुत यूज़ कर रहे हैं, जिसके साथ अच्छा खासा उससे इनकम हो जा रहा है। ठीक है, सो होप करता तुम लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह का साइट में ऐड देना चाहिए, किस तरह साइट में ऐड नहीं देना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स से शेयर करो, कुछ क्वेश्चन है आस्क करो, व्हाट्सएप में SMS करो। और एक और बात यार, एडवांस एसईओ का कोर्स और वेब डिजाइनिंग का कोर्स दोनों लो, क्योंकि दोनों जो ये हेल्प होगा इस तरह का साइट बनाने में। वेब डिजाइनिंग का भी जो कोर्स है ना, एडवांस एसईओ का, दोनों का मैं जोड़ दिया हूँ, फीस बहुत ही कम है यार दोनों का, एक ही में डाल दिया हूँ मैं, 1999 फीस है। डिटेल्स जो है नीचे दिया होगा लिंक, देख सकते हो कोर्स का डिटेल्स, कोर्स लो ताकि मैं सिखा सकूँ। अभी मेरे पास टाइम बहुत ही फ्री चल रहा है अभी अभी, क्योंकि यार फैमिली का काम बंद है इसलिए वीडियो बना पा रहा हूँ, और अभी परचेस करो तो यार जल्दी से टाइम मिल पाएगा तुम लोग को, और जो भी क्वेश्चन होगा सब मैं यार बता दूंगा व्हाट्सएप में। ठीक है, बाय।